अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियाँ उमर, यू आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने पहले जैसे अपनी बेल्टिंग अनाउंस की, तो उसके बाद एक जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अपने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने के लिए सोसाइटी में आए, और 40% और 60% की जो सोसाइटी का क्राइटेरिया था उसको मीट किया। मीट करने के बाद उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है ना वो दी गई। तो अब इसके अंदर एक इशू जो है वो क्लाइंट्स को जो फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी 60% अमाउंट जो है वो जमा करवा दी है, लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है ना वो सोसाइटी की तरफ से नहीं दी जा रही। और सोसाइटी ये क्लेम कर रही है कि भाई हमारे पास जितना हमने प्लॉट्स जो हैं वो इशू करने थे वो हमने एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स की जो है ना वो मद में हमने वो कर दिया, अब मजीद हम जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स आपको नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको इस बैलेटिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। तो अभी जो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से डिसअपॉइंट हुए हैं, तो सोसाइटी ने एक बड़ी अच्छी ऑफर निकाली है उन लोगों के लिए कि अभी जो लोग 60% अमाउंट जो है या 40% अमाउंट उसको कंप्लीट कर देंगे तो सोसाइटी नेक्स्ट बैलेट के अंदर उन लोगों को प्रेफरेंस देगी कि वो अपना जो है ना वो चॉइस है प्लॉट की वो चूज़ कर सकेंगे। तो ये एक मतलब कि बड़ा अच्छा एक सोसाइटी की तरफ से जो है वो एक पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो मतलब कि रह गए हैं अभी फर्स्ट बैलेट के अंदर, तो वो नेक्स्ट आने वाला जो बैलेट है उसके अंदर वो अपनी चॉइस का जो प्लॉट नंबर है वो चूज़ कर सकेंगे। तो मजीद लाहौर स्मार्ट सिटी की मजीद मालूमात के लिए आप हमारे से राबता कर सकते हैं। थैंक यू।